मंचासीन माननीय सैयद असगर अली साहब अध्यक्ष दलित मुस्लिम एकता मंच जिला टोंक श्रीमान असगर अली साहब। मंच पर बैठे हुए अध्यक्ष महोदय और सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे नौजवान साथियों और महिलाओं, मैं सबको इस्लामिक ग्रीटिंग पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसका मतलब यह है कि आप सलामत रहो, ईश्वर की रहमत में रहो और उसकी बरकत आप पर हो। अभी मैं देख रहा हूँ मेरे ये जहाँ पर हम बैठे हुए हैं और जिस अवसर पर हम बैठे हुए हैं, यहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसको कि मैं जानता हूँ और वो जनाब आकोदिया साहब हैं, जिनके साथ मेरा इंटरव्यू हुआ था। और ये जो कुरान की मैंने एक आयत पढ़ी है, इस आयत पढ़ने के बाद हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ गए। इसका सादा तर्जुमा ट्रांसलेशन ये है कि लोगो, ईश्वर कुरान में कहता है कि ए लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और फिर तुम्हें टुकड़ों में और कबीलों में बांट दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान लो। ईश्वर के समीप तो बेहतरीन शख्स वो है जो ज़्यादा तकवे वाला है, परहेजगार है और जो ईश्वर से डरने वाला है। ये वो बात है जो मोहम्मद साहब ने कही थी कि किसी काले को किसी गोरे पे और किसी गोरे को किसी काले पे, किसी अरबी को गैर अरबी पे हिंदी पे और किसी हिंदी को अरबी पे कोई फजीलत हासिल नहीं है। फजीलत उसकी है जो ज़्यादा तकवा रखता है, जो ज़्यादा ईश्वर से डरता है। यानी कि इस आयत को पढ़ने के बाद दो चीज़ें हम में कॉमन हो जाती है। नंबर एक कि हम सबके माता पिता एक हैं और नंबर दो कि हम सबका ईश्वर एक ही है। मैं आप सब लोगों को इस शुभ अवसर पर बधाई देता हूँ कि इस वक्त हम युग पुरुष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर उनको खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। जैसा कि आपको साहब ने बताया कि मुस्लिम समाज की तरफ से भी ये पहल हुई है, हालांकि पहली बार इतनी बड़ी सतह पर हुआ है और उम्मीद की जानी चाहिए कि यह आगे भी होता रहेगा। बाबा साहब की जो जिंदगी रही एक संघर्षशील रही। बचपन से ही उनको क्लास से दूर बिठाया जाता था, अपनी दरी पट्टी खुद लेकर आते थे और चपरासी जो होता था वो ऊपर से पानी डालता था। जिस दिन चपरासी छुट्टी पर हो उस दिन उनको प्यासा रहना पड़ता था, अनटचेबिलिटी का शिकार थे। ईश्वर ने मौका दिया, विदेश चले गए, वहां से आप पढ़कर आए, बैरिस्टर बने, इकोनॉमिस्ट बने। आने के बाद तो होना ही चाहिए था कि वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीते, लेकिन इसके विपरीत उन्होंने चिंता की समाज की और उसके लिए पूरी जिंदगी प्रयत्नशील रहे कि मैं इस समाज को शुभ अवसर प्रदान कर दूं कि जिससे ये आगे चले जाए। और वो अवसर मिला कि वो राज्यसभा में पहुंचे और फिर ईश्वर का करना ये हुआ कि आप उस कमेटी के अध्यक्ष भी बने जो संविधान बना रही थी। और उस संविधान के अंदर जो कुछ भी उन्होंने दिया वो सिर्फ आपके समाज के लिए नहीं बल्कि माइनॉरिटी के लिए भी उतना ही अहम है जितना आपके लिए है। आज जितना मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, ये बाबा साहब ही की देन है। अगर हम यानी मुसलमान भी हिंदुस्तान के अंदर अगर इस्लाम को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं उस कानून की वजह है। अमेरिका में आज भी आप स्पीच दे सकते हैं, टीवी पर अगर बात कर सकते हैं, लेकिन वन टू वन आपको एक बुक नहीं दे सकते। ऑफिस टाइम में आप दीन की बात, धर्म की बात नहीं कर सकते। ये हमारे हिंदुस्तान में कम से कम ये जुर्म नहीं है और ये इसी वजह से है कि बाबा साहब ने सबको अवसर प्रदान किया, समानता का अवसर प्रदान किया। बाबा साहब की जो जिंदगी के पल गुजरे उसमें एक बड़ा वाक्य उनके ऊपर जिंदगी पे बहुत असर डाला। मैं नहीं समझता कि आप लोग उसको किस तरह लेते होंगे। उन्होंने एक बड़ा तारीखी बात कही, एक अजीम कोटेशन उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, कम से कम यह मेरे इख्तियार की बात है। हालांकि इस बात को कहने के बाद 21 साल लगे उनको अपना श्रेष्ठ धर्म चुनने में और फिर उन्होंने बौद्धिस्ट धर्म स्वीकार किया। जो महात्मा बुद्ध हैं उनका कहना यह है कि मैं मार्गदाता हूं, मोक्षदाता नहीं। मैं मार्ग दिखाने वाला हूं, मोक्ष देने वाला नहीं हूं, मैं मुक्ति प्रदान करने वाला नहीं हूं। यानी कि वो ईश्वर के अवतारी थे। हम बाबा साहब को अवतार भी मानते हैं, यहाँ तक हम में से होंगे कि उनको भगवान भी मानते हैं, हालांकि ये गलत है। महात्मा बुद्ध ने अपने आप को भी कभी भगवान नहीं कहा था। आपको धर्म परिवर्तन करने की जरूरत कहाँ पेश आ गई? थोड़ी सी बात कहकर बात खत्म करूंगा। अनटचेबिलिटी जो थी, छुआछूत जो थी, जिसका कुछ ना कुछ नक्शा आज भी हमारे समाज के अंदर मौजूद है। कहा जाता है कि मुस्लिम धर्म से बहुत प्रभावित थे,
बहुत मुताला करते थे, और ये हो भी नहीं सकता कि इतना जीनियस व्यक्ति जिसने तमाम धर्मों को पढ़ा और ऐसा कानून लिखा हो कि आज हम उसके अंदर कोई अनायमेंट नहीं कर सकते, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि उन्होंने उसको पढ़ा ना हो। हालांकि सिख धर्म के बारे में ये आता है, तारीखी वाक्य है कि उन्होंने उसके अंदर ये बताया था कि असमानता का मामला है तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन इस्लाम के लिए रिकॉर्डेड ये बात नहीं है कि गांधी जी ने उन्हें मना कर दिया था कि यहाँ मत जाना, ये रिकॉर्ड पर कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन हम ये मानते हैं कि अनटचेबिलिटी नहीं लेकिन अनइक्वलिटी हमारे यहाँ थी और अभी भी कुछ ना कुछ हो सकती है कि खान साहब का बच्चा किसी मंसूरी समाज की लड़की से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो खान है या क्योंकि वो मंसूरी समाज की है, लेकिन हमारे यहाँ जूते काटने वाला जब वो मुसलमान था तो हमने उसे सरों पे बिठाया, उससे हाथ से खाना भी खाया, अनटचेबिलिटी नहीं थी, छुआछूत कभी नहीं रही। दूसरी चीज ये कि जब जिस समय बाबा साहब अपनी ये बहुत बड़ा फैसला ले रहे थे उस समय हिंदुस्तान की कंडीशंस क्या थी और आसपास का माहौल क्या था, पाकिस्तान बन के चुका था, मुसलमान खुद पिटे हुए थे, दलितों पर जो अत्याचार हो रहे थे उसके अंदर बाबा साहब अपने आप को ऐसे हॉल के अंदर खड़ा महसूस कर रहे थे जिसमें पिलर नहीं थे, तो उन्होंने दीवारों का सहारा लिया, वो दीवारों की तरफ बढ़े, पास में देखा जापान, पास में देखा तिब्बत और दूसरे मुल्क श्रीलंका, ये सब बुद्धिस्ट थे। तीन चीजें उन्होंने अपने सामने रखी, एक जनबल, दूसरा मनोबल, तीसरा धनबल। जहां ये तीनों चीजें होती हैं वो समाज तरक्की करता है। उन्हें जनबल भी चाहिए था कि लोग हों काफी आसपास, धनबल भी चाहिए था कि उनका सपोर्ट कर सके, मनोबल भी चाहिए था, हालांकि इस्लामिक कंट्रियां थी लेकिन वो बहुत दूर दूर थी, कोई अत्याचार होता था तो वो बोलती नहीं थी, और आज भी आप देख लें कहीं मुस्लिम पे कोई अत्याचार होता है तो कोई मुल्क नहीं बोलता है, हालांकि ये भी इतना ही सत्य है कि बुद्धिस्ट भी नहीं बोलते, बुद्धिस्ट मुल्क भी कभी किसी अत्याचारी पे नहीं बोलते। बाबा साहब ने जो फैसला किया, हम इसमें यह चिंतन नहीं कर रहे कि क्या सही था क्या गलत था, लेकिन ये जरूर हुआ कि वो जहां पैदा हुए वहां रुके नहीं। मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूं, यह मुसलमान नहीं है लेकिन आवाज तो रुकती नहीं है, आवाज पहुंचती है। मुसलमान की तो जिम्मेदारी ईश्वर ने लगाई थी कि तुम्हें क्या हो गया कि तुम नहीं लड़ते हो उन लोगों के लिए, एक खास वर्ग के लिए जिनकी महिलाएं, जिनके पुरुष, जिनके बच्चे चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम पर जुल्म हो रहा है, हमारी मदद करो। तो ये जिम्मेदारी तो मुसलमानों की इस्लाम ने लगाई थी, उन्होंने वो काम भी नहीं किया। नूह अलैहिस्सलाम का एक वाकया, नूह एक अवतार हुए हैं, वो बात कह के खत्म करूंगा। उनकी एक 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 कहानी बयान की जाती है कि एक परले आना था धरती पे और ईश्वर ने आदेश दिया कि तमाम जोड़ों को, एक एक जोड़ों को पक्षियों के अपनी नाव में नौका बनाई थी उन्होंने, उसमें बिठा लो और कुछ जो अच्छे व्यक्ति हैं उनके जोड़े उसमें बैठ जाए क्योंकि दुनिया फिनिश होगी और सिर्फ वही बचेगा जो इस नौका में होगा। और ये कहानी हर धर्म में मौजूद है, ईसाइयों के भी मौजूद है, बाइबल में मौजूद, यहूदियों का मौजूद, मनुस्मृति में भी मौजूद है, महाजल पलावन वाले मनु के नाम से, कि महामनु ने वो एक नौका बनाई, सब ऋषियों को उनमें बिठाला और उसके बाद वही लोग बचे जो उसके अंदर थे, बाकी सब डूब गए। मैं ही नहीं कह रहा कि क्या सस्ता क्या गलत था, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था है उस वर्ण व्यवस्था का खात्मा इस कहानी पर हो जाता है कि जब वो परले आया, जो स्वर्ण था वो भी डूब गया, जो शूद्र था वो भी डूब गया, जो क्षत्रिय था वो भी डूब गया, हर इंसान डूब गया, बाद में तो वही बचा जो सप्तऋषियों के संतान है। तो आज आप और मैं सप्तऋषि के संतान, कम से कम हम तो इस बात को मानते हैं, इस्लाम तो इसको मानता है। नौजवानों, बदलाव के दौर से हम गुजर रहे हैं, कुछ गलतियां हमसे भी हुई हैं, कुछ आपसे भी हुई होंगी, उन गलतियों के पेश नज़र मैं आज मेरे समाज की बिना इजाज़त आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि कभी कुछ जुल्म हो गया हो हमसे तो आप ईश्वर के लिए हमें माफ़ कर दें, और अगर ऐसी अब भी कोई घटना हो जाए तो उसे पर्टिकुलर घटना समझा जाना चाहिए, जैसे कि किसी शंभूरे अगर ने कोई काम कर दिया तो हम पूरे समाज को दोष नहीं देते, हम जानते हैं कि इसका जो माथा रंगा हुआ है ये वो समाज नहीं रंगता, ये किसी और रंग में रंग गया है, तो हम कभी समाज को बुरा नहीं कहेंगे। आगे भी हम इस चीज़ को ध्यान रखें कि अगर हमें आगे चलना है तो एक साथ चलना होगा, जो हम कहें कि आदिवासी मूल निवासी तो हम ही लोग हैं, मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि आप मेरी 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी में जाओगे तो मैं आपको मूल निवासी नजर आऊंगा।
जीन जमा हो रहे हैं तो सात फैमिली पे तो हम वैसे ही आ चुके हैं। बहरहाल मैं नहीं जानता कि आप लोग कब से बैठे हुए हैं और कब से कितना बड़ा त्याग किया होगा, और ऑब्वियसली हम जब इतने लेट आए तो आप लोग काफ़ी थक चुके होंगे। मैं आप सबसे माफ़ी चाहते हुए अपना स्थान ग्रहण करूँगा, मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।